गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपने यूट्यूब के नेक्स्ट सेशन में आए हैं। हमारा आज का सेशन है, कुछ हमारे एग्ज़ाम में स्पेसिफिक सीरीज़ आती हैं, ठीक है। तो आज हम उस सीरीज़ में काम करेंगे कि उस सीरीज़ को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसको हम कैसे शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो सीरीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके नेट CSIR और गेट दोनों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमसे एग्जाम में कुछ इस पैटर्न की सीरीज पूछी जाती हैं। लाइक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इस पैटर्न की हमें सीरीज दे रखी है, हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है कि इस सीरीज का सम क्या आएगा, ठीक। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो हमें कुछ इसको ऐसे स्पेसिफिक टर्म में तोड़ना होगा, स्पेसिफिक टर्म में ब्रेक करना होगा कि हमारा कुछ पैटर्न जनरेट हो जाए, ठीक है। देखो, अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचे तो अभी हम यहाँ तक सबको ऐड करने तो एग्जाम में बैठेंगे नहीं कि सबको हम प्रॉपरली ऐड कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ हमारा स्पेसिफिक रूल स्पेसिफिक ट्रिक इसमें कॉन्सेप्ट यूज होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो एक बार हम इसको आपको पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद इसमें क्या ट्रिक अप्लीकेबल है, क्या अप्लाई हो सकती है, हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा है हमारा वन वन बाई टू, अगर हम इसको 1 - 1/2 लिखें तो क्या कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा 1/2 ही आएगा, ठीक। देखो, अभी कुछ पैटर्न नहीं जनरेट हो रहा है तो हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म में ब्रेक करना है कि हमारा सीरीज का कुछ पैटर्न जनरेट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमने 1/2 को कैसे लिखा है, 1 - 1/2। सिमिलर वे में 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 1/6 ही आएगा, एलसीएम लेंगे 2 * 3, 3 - 2, तो 1/6 आ जाएगा। सिमिलर वे में 1/12 क्या है, 1/3 - 1/4, ठीक। सिमिलर वे में 1/20 क्या है, 1/4 - 1/5। ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, 1/32। 1/32 किसका मल्टीप्लीकेशन है, 1/32 मल्टीप्लीकेशन होता है 11 और 12 का, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो पहला टर्म आ रहा है, पहला हमारा स्मॉल वाला टर्म आ रहा है, जैसे 1/20 को हमने ब्रेक किया था, पहले 4 आया है फिर 5 आया है, तो 1/32 मल्टीप्लाई होता है 11 12 का, तो यहां पे पहले क्या आएगा, 11 1/11 - 1/12, ठीक। तो अगर अब इसे हम प्रॉपरली सॉल्व करें, ठीक, तो जब भी हम इसको ऐड करने बैठेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसका सेकेंड टर्म है वो इस वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, सिमिलर वे में ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, तो ऐसे सारे टर्म कैंसिल होते जाएंगे। सिमिलर वे में जो ये वाला टर्म है इसके पहले जो प्रीवियस टर्म आएगा उससे कैंसिल होगा। तो अगर देखें हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास केवल फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा 1 - 1/12। तो इसको सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 12 - 1/12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/12, ठीक। तो ये तो हमने इसको पूरा अपने प्रॉपर मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। अब इसी को अगर हमें थोड़ा सा फॉर्मूले के थ्रू या ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं, ठीक। जैसे हम सिमिलर क्वेश्चन को उठाते हैं, हमारा लिखा है 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + up to 1/132 तक था, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना था। तो अगर हम यहां पर एक पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो इसके पहले जो हमने देखा था सब्सट्रैक्शन करके 1 - 1/2 करके हमने देखा था। अब ध्यान से देखो, जैसे 2 है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 * 2, 1 * 2 करोगे 2 मिलेगा। 6 है, क्या लिख सकते हैं, 2 * 3, 12 है, 3 * 4, 20 है, 4 * 5,
30 है, 5 into 6, तो देखो एक एक के डिफरेंस पे सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 into 2, 2 into 3, 12 कर सकते हैं, 3 into 4, 24 into 5, 35 into 6, अप टू ये क्या हो जाएगा 11 into 12, ठीक। अब हम अगर एक चीज ध्यान से देखें, जो इन टर्म्स के बीच डिफरेंस है सॉरी डिफरेंस हमारा इक्वल है, ठीक। डिफरेंस यहां पर इक्वल है और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का, ठीक। तो अगर हमें ऐसी सीरीज दे रखी है जहां पे हमें डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करने का एक बेहद ही शॉर्ट सा फॉर्मूला होता है, उसको यूज करने पे हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 by difference, वन अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 upon last term। यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या डिनोट करता है उस पर हम बात करते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करने का पैटर्न क्या रहेगा, हमेशा स्टार्टिंग में हमें स्मॉल वाला नंबर रखना है, उसके बाद ग्रेटर वाला नंबर रखेंगे, स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर, स्मॉल ग्रेटर, ठीक है। सिमिलर में 132, 11 और 12, 11 स्मॉल है, 12 से बड़ा है, ठीक। देखो डिफरेंस क्या, इन टर्म्स के बीच डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, कंडीशन मस्ट है। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का, तो यहां पे डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 1 बाय 1 करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहला वाला टर्म है वो हमारा कहलाएगा फर्स्ट टर्म, और जो सबसे एंडिंग का सबसे बड़ा वाला टर्म होगा वो हमारा कहलाएगा लास्ट टर्म। जो पहला सबसे स्मॉल वाला है ये हमारा हमेशा कहलाएगा फर्स्ट टर्म, और जो बिल्कुल एंडिंग का है वो हमारा कहलाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब हमारे टर्म्स के बीच डिफरेंस इक्वल हो, ठीक। तो सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, लास्ट टर्म क्या है 1 by 12, तो 1 minus 1 by 12 सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 11 by 12, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है, 1 by difference, 1 upon first term माइनस 1 upon last term। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब हमारा डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। तो इस पैटर्न की हमारी कोई भी सीरीज आती है जहां पे हमें डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें एक सीरीज दे रखी है 1 by 5 into 7 प्लस 7 into 9 प्लस 9 into 11 अप टू ये हमें दे रखा है 63 into 65, ठीक है। हमें ये एक सीरीज दे रखी है, अगर हम इसको अपने प्रॉपरली मेथड के थ्रू करेंगे तो यहां पर अगर हम देखेंगे 2 का डिफरेंस है, हमें सारे टर्म्स के बीच 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। इनके बीच 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम मेथड के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, हमें 1 by 2 था, 1 by 2 को हमने क्या लिखा था, 1 minus 1 by 2, ठीक। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, तो अगर हम इसको लिखेंगे 1 by 5 minus 1 by 7, तो एक बार चेक करके देखें क्या हमें ये वैल्यू मिलेगी क्या। देखो एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 into 7, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 7 minus 5, तो ये हमें मिल रहा है 2 upon 5 into 7, जबकि ये टर्म है क्या, ये है 1 upon 5 into 7। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो देखो एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें यहां पर 1 by 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर वे में 1 upon 7 into 9 को हम लोग सिमिलरली ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 by 2 हमें आगे लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 7 minus 1 by 9, ठीक है। सिमिलर वे में 1 upon 9 into 12 क्या हो जाएगा, सॉरी 9 into 11 क्या हो जाएगा 1 by 2, 1 by 9 minus 1 by 11, ठीक है। सिमिलर वे में लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 by 2 ब्रैकेट में क्या आएगा,
1/63 माइनस 1/65। अब देखो सारे टर्म को हमें ऐड करना है, तो जैसे ही ऐड करोगे सारे टर्म से 1/2 आएगा कॉमन, 1/2 तो भाई सब में रहेगा तो 1/2 आ जाएगा सबसे कॉमन, ठीक। और जैसे ही सबको ऐड करेंगे 1/7 माइनस 1/9, ये क्या है 1/9 माइनस 1/11। सिमिलर वे में लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, सॉरी पहला टर्म लिखना हम भूल गए, पहला टर्म क्या था 1/5 माइनस 1/7, यहां लिख देते हैं 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। सिमिलर वे में लास्ट टर्म क्या था हमारा 1/63 माइनस 1/65। तो करने का वही तरीका है जो हमारा फर्स्ट टर्म का, जो पहले पूरे उसका सेकेंड टर्म है वो इसके फर्स्ट से कैंसिल होगा, सिमिलर वे में सब कैंसिल होते जाएंगे, ये वाला टर्म अपने प्रीवियस के लास्ट से कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, केवल पहला टर्म बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा, ठीक। तो 1/2 कॉमन है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 और लास्ट टर्म क्या है 1-65, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो भी आंसर होगा, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले के थ्रू देखें तो हमें ये सब पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस ये सब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हमारा शॉर्टली शॉर्ट वे में बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम इसको ट्रिक के थ्रू भी देख लेते हैं, ट्रिक के थ्रू हमें कैसे सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था 1/5 × 7, 1/7 × 9, 1/9 × 11, अब टू हमें क्या दे रखा है 1/63 × 65। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला था हमारे पास 1/1 माइनस 1/लास्ट टर्म, ठीक। तो यहां पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है हमारा टर्म्स के बीच 2 का, तो डिफरेंस की वैल्यू 2 पुट कर दो, 1/2, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या रहता है, जो सबसे स्मॉल वाला टर्म का रहता है वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, और लास्ट टर्म क्या रहेगा, बिल्कुल एंडिंग वाला, ठीक। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5, सिमिलर वे में लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 65। तो फॉर्मूले के थ्रू हमें ये टर्म डायरेक्टली मिल रहा है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इसमें हमने पूरा सॉल्व करके यहां तक हम पहुंचे थे, तो हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके हमें डायरेक्टली यहां तक हम पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल हम सीधे फाइनल आंसर में पहुंचेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप की हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी रहेगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले दोनों का हम बेस इक्वल कर लेते हैं, यहां पे बेस है 65, यहां पे है 5, तो दोनों का बेस हम 65 करते हैं, तो 5 को 65 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो अब हो गया 1/2, दोनों का बेस है 65, ये हो गया 13-1, ठीक। 13-1 क्या हो जाएगा 12, 12/2 हो जाएगा 6, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6/65, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से इस पैटर्न की जितनी भी स्पेसिफिक सीरीज हैं वो सारी सीरीज हमारी इजिली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना भी हो, बस हमें ध्यान कर रखना है डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। अब डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 6, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पैटर्न की हमारी जितनी भी सीरीज आ रही है उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने एक बैच की बात करी थी जो हम 29 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, उस बैच की हम टाइमिंग क्या रखें एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना कि हम उसकी टाइमिंग क्या रखें, क्योंकि थोड़ा आप लोग के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम उसकी टाइमिंग रखना चाहते हैं, जिससे आप लोग उसमें इजिली इनरोल कर सको, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके मुझे टाइम आप बताना कि किस टाइम पर पढ़ना आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, हम लोग उसी टाइम पर अपना बैच स्टार्ट करेंगे।